नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ई कल्याण स्कॉलरशिप 2022 के बारे में। जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 2022 में पास किए हैं और वो बिहार बोर्ड से पास किए हैं, चाहे वो कोई भी यहाँ पर डिविजन से पास किए हैं, जैसे की यदि आपने फर्स्ट डिविजन से पास किए हैं या सेकेंड डिविजन से पास किए हैं, उन सभी का जो है बिहार ई कल्याण स्कॉलरशिप के तहत जो है ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर जो है कब से भरा जाएगा और इसके जो है आपको फॉर्म भरने के दौरान डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और कौन से डिवीजन वाले छात्र छात्राओं को यहाँ पर कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसके बारे में हम यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स के साथ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से वर्ष 2022 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं यानी कि पास किए हैं, तो उन सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे किस डिवीजन वाले को कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी और कब से आप सभी का आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ताकि आप सभी जो है डॉक्यूमेंट को तैयार यहां पर कर सके। जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होगा आप यहां पर आवेदन कर सके। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पोर्टल यहां पर ओपन हो जाता है। यहां पर जो हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे, उससे पहले आपसे जो हम बात कर लेते हैं कि कौन से डिवीजन वाले को जो है कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, फिर बात करेंगे कब से इसका आवेदन स्टार्ट होगा, फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। बिहार ई कल्याण स्कॉलरशिप में जो है अलग अलग योजना के तहत जो है अलग अलग राशि यहाँ पर जो है दी जाती है। सबसे पहले योजना की बात करें बिहार ई कल्याण स्कॉलरशिप के तहत, तो यहाँ पर जो है सामान्य एवं पिछड़े वर्ग यानी कि जो BC2 में आते हैं और वे छात्राएं हैं, वो यहाँ पर जो है प्रथम श्रेणी से जो है 10 मैट्रिक परीक्षा पास किए, तो उन सभी को यहाँ पर 10,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री बालकीय प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। उसी प्रकार से आगे बात करें मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत, इसमें उच्च जाति अल्पसंख्यक शहीद यानी कि जितने भी मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ये सभी आते हैं और उच्च जाति के आते हैं, तो उन सभी के बालक को यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बॉयस रहेंगे उन सभी को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है और उसका पारिवारिक आय जो है 1.5 लाख रुपया से अधिक नहीं है, तो उन सभी को यहाँ पर जो है 10,000 रुपया की राशि यहाँ पर दी जाएगी। और उसी प्रकार से आगे यहाँ पर बात करें तो योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना आता है, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक हैं, तो उन सभी अगर वे सभी जो यहाँ पर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए यानी कि वॉयस है बालक का मतलब होता है लड़का, और वार्षिक फैमिली इनकम जो है 1.5 लाख रुपया से जो है अधिक नहीं है, तो उन सभी को यहाँ पर जो है 10,000 रुपया यहाँ पर दिया जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आगे देखने को मिलता है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत, इसमें अगर आप जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कोटि के गर्ल्स और बॉयज हैं, तो आप सभी को यदि आपने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो आपको 10,000 की छात्रवृत्ति दिया जाएगा, इसमें सेकंड डिवीजन वाले को नहीं मिलता है। उसी प्रकार से आगे बात करें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत, इसमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गर्ल्स और बॉयज को जो प्रथम श्रेणी से पास किए हैं उन सभी को यहाँ पर जो है 10,000 रुपया का राशि दिया जाएगा, और जो यहाँ पर जो है सेकेंड डिवीजन से पास करेंगे उन सभी को 8,000 का यहाँ पर राशि दिया जाएगा। ये कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है इसमें स्कॉलरशिप मिलने का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम पहले कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, जो कि आपको एडमिट कार्ड मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि 2021 में जितने भी छात्र छात्राओं ने आवेदन किए उन सभी का बहुत सारे छात्र छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट और मिसमैच हो गया है। इसका मुख्य कारण है कि आधार से जो है उन सभी का डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको जो है मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर जो है चेंज करवा लेना है, जहाँ पर बैंक वगैरह सब में नाम गलत है उन सभी का सुधार अभी से कर लेना है। आगे यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ टोटल मार्क का आपको जरूरी पड़ेगा, आधार नंबर और नेम का जरूरी पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड, बैंक होल्डर का जो है यानी कि जो कैंडिडेट होंगे उसका नाम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। इसमें इनकम सर्टिफिकेट ध्यान दें कि 1.5 लाख से जो है अधिक आपको नहीं बनाना है। ये कुछ यहाँ पर जो है जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो मैंने बताया स्कॉलरशिप अमाउंट वही स्कॉलरशिप अमाउंट अलग अलग जाति को अलग अलग यहाँ पर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा। तो आवेदन प्रक्रिया जो है अभी बिहार के जितने भी छात्र छात्राओं ने जो है 2021 में पास किए उन सभी का यहाँ पर जो है पेमेंट लिस्ट को जारी किया गया है। इसका जो है आवेदन
प्रक्रिया जो है जल्दी ही यहाँ पर जो है शुरू कर लिया जाएगा। तो जितने भी छात्र छात्राओं ने यहाँ पर जो है वर्ष 2022 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं, उन सभी इनकम सर्टिफिकेट बना ले, जिसका डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का गलती है तो वो डॉक्यूमेंट को सुधार करके रख ले। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस आप सभी को इसी बिग अपडेट के बारे में जानकारी देना था। आई होप कि आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट और हेल्पफुल हुआ होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा हम इसके लिए आप सभी के लिए वीडियो बना देंगे, आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन।